ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंती सेशंस। अपन लोग जो पढ़ने गुड वाले इवनिंग। हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बताइए जरा। एक तो मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, राइट, और एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सब टॉपिक सबके बोर्ड लेवल से बहुत साल पहले होते थे, अब कट कुट गए हैं, अब कहीं नहीं आता, अब तो जीपी पे आके खत्म हो जाती है एपी। ठीक है, तो बढ़े आगे। आप लोगों को यस मैम। मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। यस मैम। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन था, क्या कहते हैं सब लोग, ठीक है यस जी। मैम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा था कि ए बी सी ऑल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव आर इन एचपी, ये सब एचपी में। देन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, जाने की नेचर से आपको पता चल गया कि या तो आप सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के बारे में बात करोगे। किन चीजों के बारे में बात करोगे? डी कि डी या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू जीरो होगा, यस मैम। ठीक है जी। तो आपको ये पता चल गया, और क्या पता चला? ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ये आपको क्या चीजें बता रहा है? नेचर ऑफ रूट से एक तो आपको डी पता चला, राइट। दूसरी चीज आप क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकते हो कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एग्री, यस मैम। ठीक है। यस मैम। और अगर मैं यहां से देखूं कि मेरा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम मेरे पास के आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, ये सारा का सारा सी है, यानी कि 2b की पावर 101 माइनस, अगर कॉमन ले लूं तो a की पावर 101 प्लस c की पावर 101, ऐसा ही बनेगा। यस मैम। सबको क्लियर है? और मुझे मुझे दे रखा है ए बी सी एच पी में है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर अगर ए बी सी एच पी में गिवन है, इसका मतलब बी जो है वो 2ac/a+c के बराबर होगा। ये वो सब चीजें जो आपको ऑलरेडी आती है, क्या कहते हो? यस और मैम। अगर मैं यस मैम। डी डी की बात करूं तो डी मेरे पास b²-4ac, यानी कि k²-4 × 2b की पावर 101 - a की पावर 101 - c की पावर 101, यही लिखोगे, ठीक यस है। अब फर्दर आपने क्या सोचा? अब आप दो चीजें सोच पा रहे हो, क्या चीजें सोच पा रहे हो? बताइए, दिमाग चलाइए। क्या कुछ सोच पाया? बोलिए। चलो, मैम अगर ये उसी फॉर्म में पहुंच चुकी है। अगर अगर मैं मान लूं, मतलब अभी मेरे को कुछ नहीं देख पा रही मैं, अगर मैं मान लूं, क्या कोई कुछ और सोच पा रहा है? तो देख लो। चलिए, तो आपने ये सोचा होगा am is greater than or equals to gm। a की पावर 101 और c की पावर 101 हाँ, को लेंगे। a की पावर 101 + c की पावर 101/2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √a की पावर 101 c की पावर 101, राइट। तो यस यानी मैम। कि a की पावर 101 + c की पावर 101 = √a c की पावर, सारे की, क्या कहते हो? ए सी की पावर 101 रूट तो है ये, तो चाहे सारे बाहर लिख लो, 101 एक ही बात है, क्लियर यस मैम। है। और ये जो √a c की पावर 101 है, इससे आपको क्या पता चला? इससे क्या निकाल पाओगे? ये कम से कम यस उस चीज से तो ग्रेटर ही होगा, 2b101 से, क्या कहते हो?
बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं और ए और सी दो चीजें मल्टीप्लाई होके रूट हो रहा है, उसका भी ट्वाइस हो रहा है, पावर भी 101 है, तो डेफिनेटली वो नंबर बी की पावर 101 से तो ग्रेटर ही होगा, यस मैम, ठीक है। हाँ क्या ना, यस मैम, ठीक है। कुछ और भी सोचना चाहते हो? क्योंकि आप इससे भी सोच सकते हो ना, खुद से दिमाग लगा के, कि अगर ए और सी आपको पता है तो ए प्लस सी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ac, राइट? तो दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ac, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ac बाय ए प्लस सी। क्या कहते हो? अगर ए सी से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2ac बाय ए प्लस सी, और ये किसकी वैल्यू है? बी की। तो इट मींस ये जो है ये बी से तो ग्रेटर ही है। मिल गया रिलेशन? बोलो बोलो। हाँ जी बोलिए माय डियर। यस मैम, तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो नंबर है वो इससे ग्रेटर है, राइट? ये छोटा है, ये बड़ा है, एग्री? यस मैम, तो मैम तो डी ये तो बड़ा हो जाएगा 0 से। ये नेगेटिव हो जाएगा, यस मैम, ठीक है ना? तो नेचर बतानी है, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब एक एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, यस मैम। क्या सबको बात क्लियर हो गई? यस मैम। श्योर? मैम मुझे लगा इसमें वैसे बताना था रियल है या इमेजिनरी। तो मैम मुझे लगा इसमें ऐसे निकालना था कि रियल है या इमेजिनरी। मैम मुझे रियल नहीं आएगी। इमेजिनरी तो है ही नहीं ना, डी तो पॉजिटिव ही बन गया। देखो अगर यस मैम, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, इट मींस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया ना, और इक्वल्स टू 0। यस मैम, क्लियर है? यस मैम। तो आपको ये भी पता चल गया कि नेचर में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और चाहे आप बोलो कि दे आर रियल रूट्स। एग्जैक्टली, क्लियर? बढ़े आगे। यस मैम, ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं, ध्यान से देखना। समीशन ऑफ टी एन, ये एग्जैक्टली क्या बता रहा है? आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपकी बुक्स में भी दिखते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिखेंगे, और बुक्स फॉलो करोगे उसमें दिखोगे। इसका मतलब है कि अगर एस एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to n टी एन, तो आप क्या लिखोगे कि एस एन इज इक्वल्स टू t1 + t2 अप टू सो ऑन t n-1 + tn, यस और नो? यस मैम, और अगर मैं एस एन माइनस वन लिख लूं तो आप क्या लिखोगे? t1 + t2 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाऊंगी? tn-1 तक जाऊंगी या नहीं? यस मैम, और मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, क्या कर देती हूँ? सब्ट्रैक्ट। तो आप लोगों के पास क्या बचेगा बच्चा पार्टी? sn-sn-1, और देखो ये सब सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ये सब कट गया, आपके पास क्या बचा? टी एन। तो आपको पता चल गया जो टी एन होता है वो किसके बराबर होता है? s(n-s)(n-1)। क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम। मैम एक बार फिर से बताएं। देखिए हमने क्या किया, हमने एस एन को लिख लिया और एक sn-1 लिखा, तो हमें पता चल गया सब्ट्रैक्ट करने से कि सम ऑफ टी, आप लोगों ने पहले भी किया है, सोच के देखो, जब हमने ए सीक्वेंस सीरीज में ही पढ़ा था कि हम टर्म, हमें एस एन दिया होता था तो हम 1 2 3 निकाले थे, टू में से s1- करते थे तो a2 आता था ना। यस मैम, यस मैम 10th में भी था ये। हाँ टेंथ में भी तो था। हाँ वही चीज अपन कर रहे हैं कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन माइनस टर्म कर दो माइनस, तो टी एन निकल आता है। क्लियर है सबको? यस मैम, अब कुछ इंपॉर्टेंट समीशंस। अगर मैं बोलूं कि 1 को समीशन करना है, यानी कि समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to n करना है 1 का, यानी कि 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन 1, तो
तो वन को अगर दो बार ऐड किया, दो वन को तीन बार किया, तीन वन को एन टाइम्स ऐड किया, तो कितना आएगा बच्चा पार्टी? एन एन इन द सेम वे अगर आप सोचो एन इज इक्वल टू वन टू टेन करना है वन को, तो कितना आंसर आएगा? टेन टेन. और अगर मैं बोलू की एन इज इक्वल टू वन टू थाउजेंड तक करना है वन को, तो क्लियर है. और इन द सेम वे अगर मैं बोलू n is equals to 2 से 10 तक करना है, अब कितना आंसर आएगा? 9. क्लियर है सबको? क्या किसी को भी डाउट है इस चीज में? समझ नहीं आया मेरे को. क्या लास्ट वाला मतलब 9 वाला? ओके, तो आपने 2 से शुरू किया जाने की, अब आपने 1 को n 10 टाइम्स नहीं ऐड किया, 1 को 9 टाइम्स ऐड किया. यस मैम. तो 9 आएगा. क्लियर है? यस मैम. ओके, अब समीशन ऑफ एन, ये आपको आती है, सीक्वेंस आती है. सोचो समीशन ऑफ एन यानी कि वन से लेके एन तक करना है, इसका मतलब n square. प्लस नो 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 अप टू सो ऑन एन तक आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा. यस मैम. इनटू एन प्लस वन बाय टू याद आया? एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू समीशन ऑफ एन है ना, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. याद आया? अगर फटाफट बता दो, अगर 1 से लेके 100 तक करना हो एन को, तो कितना आंसर आएगा? 5050. राइट राइट. 100 इनटू 1 अपॉन 2 दैट मींस 5050. क्लियर है? यस मैम. इन द सेम वे अगर समीशन एन इज इक्वल्स टू 10 टू, सपोज करो मुझे 50 तक करना है एन को, तो इसको आप कैसे करोगे? 10 प्लस 11 प्लस, ऐसा क्वेश्चन भी किया था ना सेम 50 तक. यस मैम, पहले 50 तक निकालेंगे फिर 10 तक निकालेंगे माइनस कर देंगे. हाँ, चाहे सीधा ए पे भी लगा देंगे, क्या इशू है? क्या कहते हो? चाहे तो 10 पूरा 50 तक निकाल लो, यानी कि 50 इंटू 51 बाय 2 माइनस 9 इंटू 10 बाय 2, ऐसा ही करोगे? देखो आपने 10 से लेके करना था, पहले 9 नंबर्स नहीं थे, तो मैंने सारे के सारे 50 नंबर्स के सम में से पहले 9 नंबर्स का सम माइनस कर दिया. ओके मैम. क्लियर है सबको? यस मैम. क्या किसी को और कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम. ओके मैम, इसकी पीडीएफ मिल जाती है? हाँ, हर किसी की तो मिलती है मैम. मुझे मतलब यूट्यूब वाली क्लास में मिल जाती है, पीडीएफ नहीं मिलती. आपको लिंक नहीं पता कहाँ पे मिलती है? बिटली लिंक मैम, मतलब वहीं से, लेकिन वो यूट्यूब की क्लास मिलती मुझे, यूट्यूब पे जो वीडियोस जाती. माय डियर, बिटली लिंक है जो आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है मैथ्स का, उसमें हर लेक्चर की पीडीएफ असाइनमेंट. फिर आप मॉड्यूल कहाँ से सॉल्व करते हो? असाइनमेंट कहाँ से लेते हो? डीपीपी कहाँ से लेते हो? हम अभी सॉल्व ही नहीं किया तो अभी करना शुरू करना. देखो इसीलिए तो सब लोग ये डाउट पूछते हैं, फिर ये कहाँ से भेजते हैं. देखो समीशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब है समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू एन. एन स्क्वायर का मतलब है One square, two square, up to so on, n square तक. तो इसका फॉर्मूला भी याद होगा, n into n plus 1, 2n plus 1 by 6. याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है. प्रूफ करने की अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन होती हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको यूज कहाँ पे करेंगे? सपोज करो समीशन n इज इक्वल टू 1 से 10 तक मेरे को n स्क्वायर को करना है, तो आप सीधा ही लिखोगे n 10 11 21 बाय 6 राइट 2 5 3 3 7 यानी कि 35 इंटू 11 और आपका आंसर आ जाएगा 385. क्या सबको क्लियर है? मैम ये इंडक्शन वाले चैप्टर में भी थी मैम. मैम ये एक बार बता दीजिए, इंडक्शन वाले में ये बस
इंडक्शन से प्रूफ करनी आती है, अदरवाइज तो बस ये क्वेश्चन ही आता है वहां पे, एज अ क्वेश्चन प्रूफ करना आता है, अदरवाइज ये आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है, राइट? मैम एक बार वो बता दीजिए वाला एग्जांपल, समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या होता है. अब मेरे को n स्क्वायर दिया है, n कितना है 10 तक, तो n को 10 पुट किया, 10 प्लस 1 किया, 2 इंटू 10 20 प्लस 120 1 बाय 6 किया, क्लियर है? यस मैम, यस मैम. अब आपके पास n क्यूब है, n क्यूब का मतलब है कि समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n, n क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 पूरे के पूरे का स्क्वायर, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ n का स्क्वायर. क्या सबको क्लियर है? राइट, यानी कि अगर एग्जांपल लूं और मुझे n इज इक्वल्स टू 1 से 5 तक करना है n क्यूब, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 इंटू 6 बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 2 स्क्वायर. क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम. तो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आपको याद हो गए? फिर से देखिए, तीन फॉर्मूलाज है, समीशन ऑफ n, n इनटू n प्लस 1 बाय 2, समीशन ऑफ n स्क्वायर दैट मींस n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है जी. और समीशन ऑफ n क्यूब किसके बराबर है, n, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर? यस मैम. ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली क्या है, सपोज आपके मैं, पास, हाँ जी मैम एक मिनट पीछे वाले स्लाइड दिखाओ जी. देखिए हो गया मैम, थैंक यू. अब प्रॉपर्टीज में क्या है, मान लो कि आपको सम दे रखा है कि आपको समीशन करना है ए एन स्क्वायर का प्लस बी एन प्लस सी का, तो इसका मतलब है आप समीशन ऑफ ए एन स्क्वायर करोगे प्लस समीशन ऑफ बी एन करोगे प्लस समीशन ऑफ सी करोगे. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Yes, बच्चे क्लियर है जी. अब इसका मतलब समझ आया, तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो, सम ए समीशन एन स्क्वायर प्लस बी समीशन एन प्लस सी समीशन वन. क्या सबको बात समझ आई? यस मैम. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना मैम इसकी? हाँ, ये समीशन की प्रॉपर्टी हो गई. तो अभी इसको यूज करके अपन क्वेश्चन करते हैं. सपोज करो अब मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे करना है समीशन एन इज इक्वल टू 1 से 5 तक और 2n plus 3 है, तो आप इसको कैसा करोगे बताओ. अब मेरे को लंबा मेथड करना है कि मेरे को आराम से सिंपल सिंपल करना है, आप इसको क्या लिखोगे कि 2 बाहर आ जाएगा, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू 5 n बन जाएगा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, समीशन 1 n टू 1 टू 5, एग्री? तो 2 इंटू कितना बनेगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 इंटू 5, क्या कहते हो, 2 से 2 कट गया, 30 प्लस 15 कितना आंसर आया बच्चे, 45. अदरवाइज अगर ये नहीं लगाते तो आपको कैसे सोचना है बताओ. आप इसको सोचोगे कि एक बार 1 गया, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 बना. मैम ये 3.5 है, 3 मल्टीप्लाई में 5 है, 3 इंटू बेटा इंटू, डॉट का मतलब अब इंटू होता है यहाँ पे. ओके मैम, ओके. ठीक है, और सबसे पहले 1 पुट किया, प्लस फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 किया, फिर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 किया, फिर 2 इंटू 4 प्लस 3 किया, बताओ, फिर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 किया. ऐसा ही सोचोगे अदरवाइज आप, और फिर आपने इसको ऐड किया, ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 सोचा होगा,
प्लस थ्री वन टू थ्री थ्री इंटू फाइव सोच लिया होगा यस मैम तो टू इंटू फिर इसको ऐड करते घूम रहे होगे तीन तीन छह चार दस पंद्रह है ना प्लस पंद्रह फिर ये भी तो पैंतालीस ही आया क्या कहते हो यस मैम तो सीधा भी तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी से अब अगर इसको करना हो तो क्या करोगे अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी कहां से कहां तक है तो आप क्या सोचोगे कि समीशन एन स्क्वायर है माइनस टू समीशन एन है प्लस समीशन टू है एग्री टू भी बाहर निकाल दूं बताओ लग गई क्योंकि अगर नंबर नहीं दिया तो कैसे अब इसका बन गया फॉर्मूला बोलो फटाफट n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 2n n प्लस 1 बाय 2 प्लस 2n क्या सबको क्लियर है 2 से 2 कटेगा अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं n n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बच्चा कितना 2n plus 1 by 6 minus 1 बच्चा plus 2n बाहर agree तो n n plus 1 क्या कहते हो solve करोगे 2n plus 1 minus 6 by 6 करोगे plus 2n right n n plus 1 common और ये कितना बन गया 2n minus 5 Yes, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए या तो क्वाड्रेटिक में जाओगे या फिर कॉमन निकाल के चलोगे क्या कहते हो क्लियर है yes, ma'am. क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक मैम और सॉल्व होगा ये आगे हाँ और सॉल्व हो जाएगा देखो आपके पास क्या बनेगा आप n कॉमन ले लोगे तो आपके पास बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n माइनस फाइव प्लस टू एन राइट टू इंटू सिक्स ट्वेल्व एन डिवाइडेड बाय सिक्स क्या कहते हो ओके मैम तो एन फिर बाहर है अभी और आपके पास टू एन स्क्वायर और ये कंबाइन कर लो फोर्टीन माइनस नाइन यानी कि प्लस नाइन एन माइनस फाइव बाय सिक्स ये फाइनल आंसर बन जाएगा क्लियर है सबको चलिए अरे बाप रे अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को मैम एक बार पीछे वाले स्लाइड दिखाना लो जी हो गया मैम ठीक है अब देखो इसको कैसे करेंगे आराम से करेंगे मैं अपना अपना पकड़ लेगा वन वन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा मल्टीप्लाई नहीं होगा ध्यान ध्यान से चलेंगे सबसे पहले बाहर वाला तो i is equals to 1 to n as it is फिर सेकंड वाला j is equals to 1 to i भी as it is अब जब 1 to j तक 1 को ऐड किया तो j बन जाएगा बोलो बच्चा पार्टी क्या सबको समझ आया मैम एक बार फिर से बता दीजिए मैं पूरा स्टेप लिखती हूँ देन इट विल बी ओके समीशन k इज इक्वल्स टू 1 टू j करना है 1 को अब 1 कितनी बार ऐड होगा इस पे डील करो 1 कितनी बार होगा समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू n 1 n होता है यस मैम तो ये आपके पास क्या बन जाएगा समीशन I is equals to 1 to n summation j is equals to 1 to i और ये आपके पास j बन गया या नहीं yes ma'am n i j is the answer n i j नहीं अब फिर देखो अब फर्दर देखो अब ये j is equals to 1 to n है और ये summation क्या बन जाएगा जब summation open होगा सोच के देखो 1 से लेके कहां तक लिखोगे आप इसको लिखोगे 1 plus 2 plus 3 up to so on i तक लिखोगे yes ma'am yes ma'am और ये सॉल्व होके बन जाएगा i i plus 1 by 2
और इसका समीशन है j इज इक्वल्स टू 1 टू n. क्या सबको क्लियर है? यस मैम. जाने की अभी आपके पास बन गया समीशन j 1 टू n i स्क्वायर बाय 2 प्लस i बाय 2. यस मैम. राइट, तो अब ये क्या बन जाएगा? 1 बाय 2 तो चाहे बाहर ही निकाल लो. मैम वो j कहाँ गया? j खत्म हो गया ना, i में कन्वर्ट हो गया. 1 j की जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू i बन गया ना. ओके मैम. अब इसका समीशन ऑफ i स्क्वायर क्या बन जाएगा? सोचो, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 राइट, प्लस i का कितना बन जाएगा? n n प्लस 1 बाय 2. क्या आप क्लियर है? मैम एक बार ये लास्ट वाइड लाइन समझा दो. मैं आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देती हूँ, एक बार खुद से सोचो. हो गया मैम. मैम एक जगह पे कंफ्यूजन है. हाँ जी बोलिए, क्या कंफ्यूजन है? मैम वहाँ पे जो आपने लिखे है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस i तक, एक सिंपल इसमें जे वाले पोर्शन में मुझे भी है. देखो सबसे पहला पता चला कि मैं देखो मैं ना हाईलाइट करती हूँ फिर देखना. सबसे पहले मैंने इस पोर्शन से डील किया. हाँ के ना, और इसने इसने आपको क्या दिया? इसने आपको जे दिया. क्या इतनी बात समझ आई? यस मैम. यस मैम. ठीक है, उसके बाद फिर जब आप इस पे गए, अब ये पूरे पोर्शन में ये दिया अगले वाले इंटरवल में आपको. हाँ क्या ना, आपने इसी को एक्सपैंड करके लिखा है ना? यस मैम. यस मैम. सबको क्लियर है? यस मैम. अब इसका फॉर्मूला आपको आता था? यस मैम. तो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, अब क्लियर है? यस मैम. अब बस इसके बाद आपने एक स्टेप और किया था जो मैंने नहीं लिखा, वो आपने कहा 1/2 बाहर है, समीशन j is equals to 1 to n i square हो रहा है, plus summation j is equals to 1 to n i बन रहा है. बताइए. मैम ये वाला नहीं आया समझ. क्या नहीं आया? मैम यही जो अभी आपने लिखा. अच्छा, जब मेरे पास a n square plus n का summation होता है तो क्या आप summation n square plus summation n नहीं लिखते? यस मैम. वही तो लिखा है. ये लास्ट वाला जे नहीं है, ये आई है. सॉरी, ये आई है. क्लियर है? यस मैम. किसी को डाउट है?
किसी को भी कंफ्यूजन है, टेक योर टाइम एंड आस्क. क्लियर है सबको? अब बोलो. यस मैम. ठीक है अब एक मिनट वो कुछ वाली हो गया मैम. थैंक यू. ठीक है अब अगला क्वेश्चन सोचो. अब क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है ना वो आपको सोचना है. ये वन वन प्लस टू, ये देखो ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है. जाने की जिसकी जनरल टर्म टी आर होगी वो कैसी दिखेगी? वो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू आर नहीं दिखेगी? यस मैम. जाने की अगर आप सोच पाए टी आर तो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू आर है, तो आप इसको फॉर्मूला लगा दोगे सीधा सीधा आर आर प्लस वन बाय टू, जाने की आर स्केयर प्लस आर बाय टू बनेगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आपने पढ़ा कि SN क्या होता है? SN basically आपके पास summation of TN होता है? Yes, ma'am. पहली सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, याद आया? Yes, ma'am. तो SN अब क्या लिखोगे? Summation of TR, R is equals to 1 to N. क्या कहते हो? बन गया? अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो समीशन ऑफ 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n r. क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम. फिर मैम इसे आगे भी खोल लेंगे ना जैसे पिछले का, तो आपके पास क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा r r प्लस 1 2 r प्लस 1 by 6. So, by क्या था? R, R plus 1 by 2. Clear है? अब जैसे मेरी requirement होगी question में वैसे इसको solve कर दूंगी. क्या बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Sure? क्या किसी को कोई doubt है यहाँ तक? बढ़ू आगे? Yes, ma'am. Okay. Take your time and solve this question. I'm giving you 5 minutes. मैम इसमें सी ऑप्शन खाली है? मैम किसी को सी ऑप्शन दिख रहा है? नहीं नहीं हाँ जी क्लियर है मैम. इसमें ऑप्शन सी खाली है? नहीं सी खाली नहीं है, वहां पर भी एक ऑप्शन है, वो बता देते क्या है.
मैम ऑप्शन वन आ रहा है, वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है मैम। हाँ जी बच्चा पार्टी बताइए। मैम ऑप्शन ए आ रहा है। ए आ रहा है सबका? क्या किसी को डाउट है? चलिए देख लेते हैं सबका हिसाब किताब। एस एन डिनोट सम ऑफ, एक छोटा ऐसे एक बड़ा ऐसे, क्या सबको दिखी ये बात? यस मैम। यस मैम। जाने कि एस आर बाय, अगर स्मॉल एस आर लिखूंगी तो मेरे पास 1 cube plus 2 cube up to so on n cube तक जाएगा r cube तक जाएगा। इन द सेम वे डिनोमिनेटर 1 plus 2 plus r तक जाएगा, क्या कहते हो? और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, ये r r plus 1 by 2 का स्केयर होगा और ये r r plus 1 by 2 होगा और एक कटे जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ yes, r plus 1 by 2 के बराबर होगा। क्या इतना yes, सबने सोच लिया? yes, ma'am. Yes, ma'am. जाने कि समीशन r is equals to 1 to n s r by s r जो है वो समीशन ऑफ आर 1 टू n r स्क्वायर 1/2 भी बाहर निकाल दूं प्लस r के बराबर होगा। r के यस मैम। ठीक है, जाने कि 1/2 आपने बाहर निकाल दिया और आपके पास बचा कितना n, n plus 1 2n plus 1 by 6 plus n, n plus 1 by 2, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे? हो गया था मैम, n n plus 1 कॉमन ले लिया था फिर हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर आ रहा है सबका, लेकिन शॉर्टकट तो बनता है, तो फिर डेफिनेटली हम क्या रखते हैं, नजर रख लेते हैं, हम कर लेते हैं कि भाई मान लो जब n 1 था तो आपके पास 1 cube by 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक yes, है, और देखो पहली ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी में भी कर रहा है आप बोलोगे, और तीसरी ऑप्शन जो है ना वो आपके पास है n square plus 3n plus 2 by 6, तो आप बोलोगे मैम तीसरी में भी कर रहा है। चलो n 2 कर लेते हैं, जब n 2 है तो किसमें सेटिस्फाई कर रहा है? आपके पास बनेगा 1 cube plus 2 का cube by 3, right? जाने कि आपके पास आंसर आना चाहिए अल्टीमेटली d 3। अब देखो किसमें 3 आ रहा है जब पुट कर रहे हो, 2 पुट करने से आपके पास किसमें आंसर बन रहा है? मैम ए और बी में भी बन रहा है, ए में भी बन रहा है, बी में भी बन रहा है। ओके, फिर एन थ्री पे चलते हैं। एन थ्री पे कितना बनेगा? 1 cube 2 cube plus 3 का cube by 1 plus 2 plus 3, एग्री? यस मैम। मैम थ्री तक तो बहुत लंबा पड़ गया है, तो मतलब ऐसा सोच सकते हो अगर किसी को ये फॉर्मूलास नहीं आते और हमें जल्दी करना हो, डेफिनेटली इसमें तो टाइम लगेगा ना कैलकुलेशन करने में। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब अगला सोचो। क्या सोच पा रहे हो इसको? मैम मैम इसमें जैसे 1 square for t1 और for t2, तो मैम इसमें जो है पहले इसमें 1 cube 3 cube की सीरीज बनाएंगे। हाँ, और उसमें वो 1 square 3 square 5 square, एक तो सीरीज ऐसी चल रही है, ठीक है? यस मैम। अब तो मान लो कि कोई k टर्म्स या r टर्म्स सब चल रही है, राइट? और दूसरी वाली में अगर 2 कॉमन ले लो तो 2 square plus 4 square अप टू सो ऑन, वो भी कितनी चलेगी? के टर्म्स। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है जी, तो आपको ये पता चला कि अगर इसमें मैं टी आर सोच लू तो 2r-1 ऑड नंबर की 2k-1 सोच लो, या 2r भी लेते हो तो आप उसमें वैल्यू k तक जाओगे,
2k माइनस 1 का स्क्वायर है। मैम क्या बोला अभी आपने, समझ में मैंने इसमें बोला कि जो आपकी इसमें rth टर्म होगी वो 2r माइनस 1 होगी उसका स्क्वायर। ओके मैम, ओके मैम। ऑड नंबर टर्म क्योंकि 1 पुट किया 1 लिया, 2 पुट किया 3 आया, तो 2r माइनस 1 होगी। और yes, इसमें कितनी हो जाएगी 2r जो tr है। यस मैम, 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर, क्या सबको बात क्लियर हुई? अब जो आपको पता है कि एस के होगा वो समीशन ऑफ आर वन टू के तक टू आर माइनस वन का स्क्वायर होगा। और ये जो एस के होगा ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू के, है ना, टू आर का स्क्वायर होगा। क्या कहते हो? यस मैम, अब स्क्वायर खोल देंगे। क्लियर है, बस अब सॉल्व कर दोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे, हो जाएगा आंसर। क्लियर है सबको? मैम, हाँ जी मैम, जैसे आपने टू ट्वाइस ले लिया तो फिर वहाँ टू आर के लिए आर ही होगा ना, बस वो कहाँ पे इवन बनाने के लिए ना, इवन बनाने के लिए टू आर लिया। इवन मींस ट्वाइस कर दिया हर टर्म का, odd means 2r minus 1 कर दिया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें अजीबो गरीब से क्वेश्चन होते हैं। अब आपको पता चलेगा कैसे कैसे होते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट आपको ये मेथड हेल्प करेगा कोई भी जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए। देखो, आपको दे रखा है कि इफ kth difference of consecutive terms is in AP, अगर आपको कोई डिफरेंस दे रखा है कि वो AP में है, तो आप बोल सकते हो कि जो TK होगा, ठीक है, कोई भी, वो क्या होगा, K plus 1 degree polynomial होगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में नहीं आया मैम थोड़ा ये, अभी जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि, अब क्योंकि क्वेश्चन भी दिखेंगे ना कैसे होते हैं, उसी पे आएंगे। टी के अगर कोई आपको बता रहा है कि जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिखनी है, आपका kth डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, आपको बता देते ना कई बार कि उन टर्म्स में जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एपी में वो क्या है, तो आप बोलोगे जो टी के होगा उसकी जो डिग्री होगी वो के प्लस वन डिग्री की होगी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर kth आपको जीपी में दे रखा है तो उसका जो टर्म लिखोगे tn वो आपके पास होगा a r n माइनस 1 प्लस k माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। राइट, जब क्वेश्चन में जाएंगे तब आपको एग्जैक्टली चीजें पता चलेगी। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। अब ये ना तो nth सीक्वेंस लग रही है, सोचो लग रही है कोई सीक्वेंस वो समीशन n समीशन n के समीशन n क्यू? नो मैम, ना ये AP में है ना ये GP में है, क्या ये चीज एनालाइज कर पा रहे हो? क्योंकि 3 4 7, 7 के बाद कितना ऐड किया, 6 8 मैम, लेकिन ना इसमें तो देखो नहीं, मैं वो नहीं हो पा, तो सोचो इनमें डिफरेंस 4, इनमें डिफरेंस 6, इनमें डिफरेंस 8 और इनमें डिफरेंस 10, फिर फर्दर इनमें डिफरेंस 2, क्या अब सीक्वेंस समझ आई? यस मैम, ये तो आ गया था। ठीक है, इसका मतलब जो tn है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इन n है, तो कैसा दिखेगा आपको, a n स्क्वायर प्लस b n प्लस c। अब कुछ कुछ रिलेट कर पाए, चलो वापिस जो लिखा था। अच्छा मैम, इसमें n डालते जाएंगे तो सीक्वेंस की एक डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस देख रहे हो, पहला देख रहे हो दूसरा देख रहे हो? क्लियर है, तो उसकी जो डिग्री बनेगी nth टर्म की वो k प्लस 1 डिग्री होगी। क्या अब समझ आया? देखो, अब देखो आपने क्या देखा, आपने कौन सा डिफरेंस देखा मैम? सेकंड डिफरेंस। तो आपके पास कौन सी डिग्री बनी, क्वाड्रेटिक बन गई ना? यस मैम। क्लियर है आगे ना?
अब अगर इस सीक्वेंस में जाना शुरू करोगे ना, आप TA1 लिखोगे, जाने कि जब N1 होगा तो आपको क्या देगा, आपको बोलेगा वो A प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा, जाने कि 3। फिर जब N2 देंगे तो T2 बनेगा और वो आपके पास क्या आएगा, 4A प्लस 2B प्लस सी किसके बराबर है, 7 के। और जब N3 देंगे जाने कि T3, तो आपको कितना देगा, 9A प्लस 3B प्लस सी किसके बराबर है, 13A। क्लियर है? बोलिए माय डियर बच्चा पार्टी। यस मैम, कहिए। ठीक है, तो क्या आप इन तीनों को किसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे? मैम कैसे, कुछ अंडे फंडे लगा के ए बी सी के निकाल लोगे वैल्यूज? यस मैम। ठीक है, तो ए बी सी निकाल लोगे। एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ से ए बी सी निकाल लो, लेकिन एक मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं मैम। हाँ, मतलब कई बच्चे बोलेंगे मैडम ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये कहाँ सोचो, मैट्रिक्स से हो जाएगा मैम, मैट्रिक्स से आसानी से हो जाएगा। तो अब दूसरा सोचो, अब मेरे पास जब मैंने सोचा तो अब AP मेरे पास कहाँ पे बन गई थी, पहले KF पे बन गई थी। यस मैम। मतलब जब स्टेप 1 पे AP बन गई तो इसीलिए तो क्वाड्रेटिक आया, उसमें एक ज्यादा ऐड कर दिया। यस मैम। तो आपके पास 4, 6, 8, 10 ऐसी AP दिखी। तो TN आप निकाल सकते हो, 4 + N - 1 × 2 कितना बनेगा, 2N - 2N + 4 बन 2 बन गया। बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम बन गया। हाँ के ना। यस मैम। अब फर्दर क्या सोचोगे? ये मैम उसका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा ना, ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। अब मुझे क्वाड्रेटिक में को सम निकालना है, पूरा का पूरा सम, तो आप कैसे निकालोगे मुझे तो ये बता दो। मैम उसमें 3+ करके लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एन में। नॉट गेटिंग योर पॉइंट। क्या कहते हो, क्या चलाओगे? मैम मेरी इक्वेशन बन रही है मैम 2N² + N + 3। गलत बन रही है। गलत है। चलिए, ये एक मेथड ये था, ये नहीं चलाना आप लोगों को, जमा नहीं। यस मैम। चलो यस, फिर अपन इस पे नहीं जाते, अब दूसरे मेथड पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो जमता है अपन को, क्या कहते हो? चलिए, क्योंकि वापस इस पे भी आ सकते हो, पहले इस दूसरे मेथड पे सोचो। अब ये हमें नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इससे तो हमारा क्वेश्चन टीडियस बन रहा है, राइट, जो हम सोचते। अब अगर आपको सम दे रखा है 3 + 7 + 13 + 21 and so on इन द सेम वे, आप TN - 1 TN तक जा रहा होगा। अगर मैं अगला S थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दू और यहाँ पे लिख दू 3, 7, 13, क्या किसी को दिक्कत है? यहाँ पे आ जाएगा TN - 2 और यहाँ पे आ जाएगा TN - 1 + TN। क्या सब क्लियर है? Yes, ठीक है ना, मैंने क्या किया है, शिफ्ट किया है एंड सब्ट्रैक्ट करूंगी। yes, तो सम में से सम, सेम सम में से सम माइनस किया तो 0 आएगा। yes, 3 आएगा प्लस। अब सोचो जब इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये 4 बनेगा, 13 - 7 = 6 बनेगा, 21 - 13 = 8 बनेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आप कहाँ तक चले जाओगे, आप यहाँ पे कहाँ पहुंचोगे, आप पहुंचोगे TN - 1 - TN - 2 + TN - TN - 1 + TN, ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको। yes, ma'am.
यस मैम है ना, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि ये टी एन तो कट रहा होगा, हाँ के ना? यस मैम। एक ये टी एन लास्ट वाला माइनस का आएगा, तो इस टी एन को दूसरी तरफ लेके जा सकते हो, तो ये टी एन जो है अब आपको देगा तीन प्लस, और आपके पास बन जाएगी चार प्लस छ प्लस आठ एंड अप टू सो ऑन टी एन माइनस वन, ऐसी कोई टर्म दिखेगी। तो ये एपी नहीं बन गई, बोलो बन गई? Yes, ma'am. इस पे फॉर्मूला लग गया, कितनी टर्म्स हैं? एन माइनस वन रहेगी ना, क्योंकि एक आपकी बाहर निकल गई, तो आपके पास बनेगा एन माइनस वन बाय टू, टू ए जाने की एट प्लस एन माइनस टू इंटू डी कितना है टू, क्या क्लियर हुआ? तो माई डियर बच्चा पार्टी, आपके पास अल्टीमेटली टी एन आ गया थ्री प्लस एन माइनस वन और इंटू आ गया फोर प्लस एन माइनस टू, क्या इतना बना? यानी कि टी एन मेरे पास बन गया सॉल्व करके थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू एन प्लस टू। बोलो, जब इसको कृष्णा जी सॉल्व किया तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन माइनस टू बना, यानी कि मेरे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन बना, क्लियर है? मैं वहां से समझ में नहीं आया थोड़ा, कहां से बताइए? ये जो मैम आप मैम यहां से येलो से मैम ब्लू में शिफ्ट करी जब, मतलब ऊपर से थोड़ा सा मेरे पास में, आप लोगों ने यहां पे शिफ्ट किया, एक स्टेप शिफ्ट कर दिया, बस लिखने का तरीका बदल दिया, माइनस कर दिया। यस मैम। जब आपने माइनस किया होगा, इस काटा काटी को भी छोड़ दो, चलो आपने नहीं काटा, तो आपके पास एग्जैक्टली दिखा कैसा होगा? आपको कुछ ऐसा दिखा होगा ना कि जो सेकंड लास्ट टर्म है वो टी एन माइनस टी एन माइनस वन दिखी होगी, और ये माइनस का टी एन दिखा होगा, इस माइनस के टी एन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक एन टर्म्स थी, टी एन चला गया, तो आपके पास एन माइनस वन टर्म्स बची, बोलिए। मैम यहाँ पे टी एन माइनस टू समझ में नहीं आया, वो मतलब कैसे? कहाँ पे? अभी जो आपने पहले लिखा था ना टी एन माइनस टू, मैंने इनको लिखा था, इनको ही लिखा था माय डियर, कि ये अगर सब्ट्रैक्ट हो गए तो इससे पिछली टर्म क्या बनेगी, टी एन माइनस वन माइनस टी एन माइनस टू, ऐसा दिखेगा ना, ये टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, बस ये टी एन अकेला रह जाएगा लास्ट में। ओके मैम। और ये दूसरी तरफ ले गई क्योंकि माइनस का दिख रहा था, तो मेरे पास nth टर्म बन गई है। और अगर सम निकालना है n टर्म्स का, तो बच्चा पार्टी क्या करोगे, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू n n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, अब तो फॉर्मूले लगाने हैं, क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। यस मैम। इनमें भी देखो डिफरेंस, इसमें डिफरेंस तीन, इसमें डिफरेंस सिक्स और इसमें डिफरेंस ट्वेल्व, इसमें डिफरेंस ट्वेंटी फोर। तो अब मेरा डिफरेंस सेम नहीं है, मेरी रेशियो सेम है, यानी कि ये टू का मल्टीपल है, ये भी टू का मल्टीपल है, ये भी टू का मल्टीपल है। तो आप याद है आपने एक शॉर्टकट पढ़ा था क्या, कि क्या बनेगी अगर मेथड वन, वही दो मेथड्स है, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। एक तो मेथड मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आपको दिख गया अभी जो किया, सेम मेथड से करोगे, शिफ्ट करके लिख दोगे, क्या कहते हो? बोल के बताओ फटाफट, अभी जो मेथड किया था किसको शिफ्ट करके लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो एक तो मेथड वही है करने का। मैम उससे मैम बहुत सारी सीरीज सॉल्व हो जाएंगी, मैम सारी सॉल्व हो जाएंगी सारी, इसीलिए तो वो मेथड ऑफ डिफरेंस है। देखो एस लिखो फिर से, वन प्लस फोर प्लस टेन प्लस ट्वेंटी टू एंड सो ऑन, आप यहाँ पे लिखोगे टी एन माइनस वन प्लस टी एन, ठीक है? अब फिर से एस को लिखो और आप लिखोगे वन प्लस फोर प्लस टेन
एंड सो ऑन. यहाँ पे कितना आ जाएगा टी एन माइनस टू, यहाँ पे टी एन माइनस वन प्लस टी एन. क्या एग्री हो? यस मैम. अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है टी एन इधर आ जाएगा, वन एज इट इज रहेगा, और ये फोर माइनस वन तीन बनेगा, छ बनेगा, बारह बनेगा, एंड सो ऑन. यहाँ पे टी एन माइनस वन बनेगा. क्या अब लिख सकते हो? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम. बताइए किसी को है तो. अब ये जीपी बन गया, तो इसमें जीपी का सम लगा दो. थ्री आर कितना है? टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन. ठीक है जी, वन प्लस ये टी एन बन गया. बच्चा पार्टी क्या कहते हो? यस मैम. ठीक है ना. अब क्या सोचोगे? अब टी एन आ गया, वन प्लस कितना बन गया? थ्री इंटू टू की पावर एन माइनस वन बताओ बन गया. और थोड़ा सॉल्व कर लो, हक्का बक्का कर लो इसको. वन प्लस थ्री, इसको मैं लिख सकती हूँ टू की पावर एन बाय टू माइनस वन, राइट? तो इसको आपने थोड़ा और रीअरेंज कर लिया, तो आपके पास कितना बन जाएगा? थ्री इंटू टू की पावर एन, इसके बाय टू है और ये माइनस थ्री, तो ये माइनस का टू. क्या इतना क्लियर है? यस मैम. समीशन लगा देंगे बस. अब क्या निकालना है? एस एन निकालना है, तो समीशन ऑफ कितना करेंगे? टी एन. तो आपके पास बन जाएगा थ्री बाय टू समीशन ऑफ टू की पावर एन माइनस टू समीशन ऑफ वन, राइट? तो आपको पता है थ्री बाय टू, और ये बन जाएगा टू की पावर वन, टू की पावर टू, अप टू सोन टू की पावर एन माइनस टू एन. क्या क्लियर है? और ये थ्री बाय टू, इस पे फिर फॉर्मूला लग गया टू टू की पावर एन माइनस वन बाय वन माइनस टू एन, राइट? टू से टू भी कट गया, तो आपके पास थ्री टू की पावर एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ये आंसर बन गया. बच्चा पार्ट क्या बात क्लियर हुई? हेलो बच्चा पार्टी, सब मैं समझ आ गया. मैं बस क्वेश्चन करने होंगे थोड़े से. हाँ, एक तो कोशिश करोगे सब में सेम करना है, वही माइनस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें जब आपको पता चल गई कि जीपी बन रही है तो आपसे खुद ही सॉर्ट आउट होने लग जाएंगे, राइट? तो इस क्वेश्चन को होमवर्क रख दें. यस मैम. देख सकते हो आप इसमें कितना डिफरेंस होगा 10 का, इसमें कितना होगा 24. इनमें सोचो 24. तो क्या कुछ डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं? फिर अगला स्टेप फिर करना होगा शायद. यस मैम. 14, फिर इसमें 20. अगला देख लेना कि कहां पे जाके कौन सी सीक्वेंस बन रही है. ठीक है जी. अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू. ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम. इसमें देखना होगा आपको कौन से स्टेप पे जाके दिमाग लगेगा. ठीक है मैम. एक मिनट, पीछे वाली स्लाइड दिखा दो. हो गया मैम. थैंक यू. हो गया जी. अब देखिए एजीपी, कोई बात कर रहा था ना कि एजीपी है, ये क्या होती है? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, क्या होती है? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्लियर है? मैम इसमें दोनों आ जाते हैं. दोनों आ जाते हैं, मतलब ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें एपी भी दिख रही होगी, जीपी भी, और कैसे होगी मैम वो? फिर चीकू बोलेगा मैडम दिमाग खराब हो गया, क्यों आए ऑन. और हो सकता है समीर है क्लास में, क्या पता समीर भी बोल दे मैम ये तो, है ना? तो देखिए, अ सीरीज इज सेट टू बी एजीपी इफ इट्स टर्म्स आर फॉर्मड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी. क्लियर है? जब जीपी की मल्टीप्लाई करके, अब वो वाली चीज भी नहीं होगी कि आप बोलोगे कि आधी सीक्वेंस एपी में, जैसे उसमें सोचा था आपने,
अभी आज वाली क्लास में क्वेश्चन किया था ना कि दो सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया था, यस मैम, वो वाली चीज भी नहीं होगी। देखिए यार, देखो गुड और बैड ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए दो चीजें आपको देखनी है कि मेरी टी एंथ टर्म जो है एजीपीवी की वो किसके बराबर होगी, टी एन टर्म ऑफ एपी इंटू टी एन टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है? यस मैम। और दूसरी चीज सम नहीं होगा, मतलब टर्म पे आप लगा सकते हो, सम नहीं सोच सकते कि सम भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है? मैम एक एग्जांपल दिखाने में एजीपी, अभी एग्जांपल कर रहे हैं, देखो कंसीडर कर रही हूँ एक एजीपी कि आपको एस निकालना है 1 + 2x + 3x² + 4x³ up to so on। क्या आप देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4 किस में है? एपी में। एपी में एक्स एक्स स्क्वायर किस में है? जीपी। जीपी। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या सोचोगे, स्टेप वन एजीपी में अगर आप सोचोगे कि आर जो है वो मेरी एक्स है, आर जो है वो मेरी एक्स है, ठीक है, तो स्टेप टू माय डियर बच्चा पार्टी, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि एक्स एंड शिफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो इट मींस आप कैसा लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे x इंटू एस, एक स्पेस छोड़ दी और आपके पास बनेगा x प्लस 2x² + 3x³ + 4x⁴ एंड सो ऑन। क्लियर है? क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? मैम समझ नहीं आई। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसमें कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, x आ रही है ना, yes, ma'am. जो जीपी है, तो मैंने उसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और एक जगह छोड़ के, जैसे पिछली वाली में नहीं शिफ्ट करते थे, मेथड ऑफ डिफरेंस में शिफ्ट किया था, yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे ही आपने एक स्पेस छोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपका ये वन पार्ट है, ये आपका टू पार्ट है, सबट्रैक्ट। हाँ, अब आप सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करो अगले स्टेप में वन में से टू, तो आपके पास क्या आएगा, एस माइनस एक्स एक्स वन, और ये कितना बनेगा सोचो, टू एक्स माइनस एक्स एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स क्यूब एक्स फोर एंड सो ऑन। अभी एन तक भी नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ये तो। Yes, ma'am. तो ये 1 माइनस एक्स बना इंटू एस बना और ये आपको दिख गया कि इनफाइनाइट जीपी लग गई, उसका सम किसके बराबर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर के, तो एस का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बताओ इजी? तो मैम ये तो मैम डाइवर्जिंग में लगेगा ही नहीं है तो फिर क्या, मैं मेरे डाइवर्जिंग में लगेगा ही नहीं अगर रेशियो बड़ा होगा वन से, तो नहीं तो फिर वो क्वेश्चन वैसा ही देंगे ना, हो सकता है उसमें, अभी तो हमने इनफाइनाइट सोच लिया, हो सकता है एंड टर्म्स तक भी होता, वहां पे भी मैं आ रही हूँ, ये तो इनफाइनाइट सोच लिया, हमने बोला कि इन्फिनिटी तक है, अगर मैं बोलूं कि एंड टर्म्स तक है तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू एस जो है वो 1 + x + x² up to so on x^n-1। क्लियर है? तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू एस, और फॉर्मूला लग गया यही a से 1 x^n-1 upon x-1, तो फिर s किसके बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी, 1x। और कुछ और भी तो बनेगा इसके साथ, सोचो क्या बनेगा, जब n तक जाएगा तो इसके साथ एक और टर्म भी तो आएगी जो आपने यहाँ पे इग्नोर कर दी, ये इसमें एक टर्म पीछे तक जाके क्या बनेगा, एन एक्स की पावर एन नहीं बनेगा जो यहाँ पे माइनस में छूट जाएगा, बनी के नहीं बात,
तो आपके पास x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर माइनस n x की पावर n अपॉन x माइनस वन बनेगा, वन माइनस x बनेगा या नहीं? क्या बनता है यार? इसको रोटेट कर लेते हैं अपन. ओके, तो ये वन माइनस एक्स की एन कर लो और ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी वन माइनस एक्स. क्या आप सबको समझ आया या नहीं? हाँ के ना माय डियर, बोलिए मैम. हाँ जी, देखो ना इसके पीछे वाली टर्म कितनी होगी, n माइनस वन x की n माइनस वन होगी, और यहाँ पे आपके पास जो लास्ट टर्म बनेगी वो n x की n माइनस वन होगी. बोलिए बोलिए. हाँ के ना मेरे को जब आंसर नहीं मिलता तो मुझे अच्छा नहीं लगता. यस मैम. अब देखो, चलो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा इनफाइनाइट चल रहा है या नहीं चल रहा. ध्यान से देखो. यस मैम. यस मैम. तो आपको s किसके बराबर दे रखा है, 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3 का स्क्वायर 10 अपॉन 3 का क्यूब एंड सो ऑन. ऐसा ही सोच रहे हो आप? हाँ के ना? यस मैम. यस मैम. अब आपको कुछ ऐसा सोचना है, वन वन को छोड़ दिया मैंने, क्या कहते हो? क्योंकि वन और टू का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, वन को अलग छोड़ दिया, तो मैं एस को कहाँ से लेके चलू, सिर्फ टू से लेके चलू? बोलिए. तो आपकी कॉमन रेशियो आर कितनी आई, 1/3. तो आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, जाने कि एस बाय थ्री इज इक्वल्स टू, अब आप एक स्टेप आगे लिखोगे आपके पास आएगा 2/3 का स्क्वायर 6/3 का क्यूब एंड सो ऑन. ये सुनो, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एस माइनस एस बाय थ्री जाने की 2s/3 बना, और आपके पास 2/3 बचा प्लस 4/3 का स्क्वायर बचा प्लस 4/3 का क्यूब बचा एंड सो ऑन. ऐसे चले. यस मैम. जाने कि 2/3 प्लस 4 कॉमन निकाला तो आपके पास 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन माय डियर. ऐसा बना कन्वर्जिंग इनफिनिट जीपी हुई. तो फिर से 2/3 प्लस 4 तो आपके पास a कितना है 1/9 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/3. ठीक है जी. यस मैम. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस 4 ये कितना बनेगा आपके पास? यस मैम. कितना बनेगा? 1/6 बनेगा. तो अल्टीमेटली ये सॉल्व होके 4/3 बना, लेकिन अभी आपको क्या दिखाना है? Yes, ma'am. 2/3 इधर है, इट मींस s जो है वो आपके पास कितना बन गया 2, लेकिन अभी एक चीज आप छोड़ के आए थे क्या? 1. तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, s 1 प्लस 2 s डैश, तो आंसर भी आएगा 3. क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है? क्योंकि जब जनरलाइज्ड वे में करते हैं तो चीजें मुश्किल लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन में करते हैं तो वो चीजें इजी हो जाती है. कृष्णा चलिए. yes, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए. अब इसमें कोई वो नहीं लगना जो आप सोच रहे हो, ये तो 2014 में मेंस में आया था, अब आपको सोचना इसको कैसे करना है. अब देखो ये 2^1/4 है, ये 2 की पावर कितना बन जाएगा, 2/8 बन जाएगा,
फिर ये 2 की पावर 3 अपॉन 16 बन जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा जाने की 2 की पावर 1 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 16 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी. क्या कहते हो? जाने की मैं इसको ये सोच लूं ये 2 की पावर s है. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो अब मुझे s पता चल गया कि s किसके बराबर है, 1 upon 4 plus 2 upon 8 plus 3 upon 16 up to so on infinity. तो आपको पता चल गया कि ये मिक्स्ड है, AGP है. तो रेशियो कितनी है, 1 upon 2 है. तो 1 upon 2 s से मल्टीप्लाई करोगे, एक शिफ्ट करके लिखोगे. यस मैम. क्या कहते हो? तो ये 1 upon 8 बनेगा, ये 2 upon 16 बनेगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा. सब्ट्रैक्ट करोगे, s by 2 बनेगा, 1 by 4 रह जाएगा और ये 2 by 8 minus 1 by 8, 1 by 8 रह जाएगा, फिर ये 1 by 16 रह जाएगा. क्या बात बनी? Yes, ma'am. जाने कि इसका सम 1 by 4 upon 1 minus 1 upon 2, that means 1 by 4 upon 1 upon 2, तो 2 by 4, 1 upon 2. तो S की वैल्यू आपके पास 1 आ गई बच्चा पार्टी. क्या सबको क्लियर है? यस मैम. मैम 2014 में क्या? चलिए कहते हैं rth टर्म ऑफ द सीरीज है, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म निकालना है. सिंपल है क्या? क्वेश्चन सोच के देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड करके देते हैं. dr जो है वो 2r plus 1 2 की पावर माइनस r, यानी कि 2r plus 1 अपॉन 2r है ना. तो जब आप इसको लिखोगे सम s लिखोगे तो 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 पुट करने पे 3 अपॉन 2 आएगा. यस मैम 3 बाय 2 करोगे 5 अपॉन 2 की पावर 2 आएगा, फिर 7 अपॉन 2 की पावर 3. तो आपको दिख गया कि कैसा जा रहा है, AGP का क्वेश्चन बन गया. कर लोगे अब? यस मैम. होमवर्क दे दीजिए. हो जाएगा फर्दर? हो जाएगा, हो जाएगा. वैसे तो मुझे ये पता चल गया कि आप लोगों को सिर्फ एक शॉर्टकट सोचना है, कितने किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूं, 1 बाय 2 से. यानी कि सीधा उसमें s by 2 आएगा plus 3 is equals to 3 by 2 as it is रह जाएगा plus, और यहाँ पे मेरे को सिर्फ सम लगाना है क्योंकि बाकी तो सब चीजें माइनस ही हो जाती है. सोच के देखो, थोड़ा सा एक बार और बताइए मैम. आपने क्या करना है, आपको पता है कि एक शिफ्ट करोगे s by 2 हो जाएगा, उसको माइनस करोगे तो इधर तो s by 2 ही बचेगा, ये 3 by 2 as it is आ जाता है. यही सोचा आपने? Yes, ma'am. 5 minus 3, 2 बन रहा है, तो 2 by 2 का square, 1 upon 2. It means ये कुछ ऐसी GP बनेगी, 1 upon 2, 1 upon 2 square, 1 upon 2 का cube upon infinity. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो इसका sum तो शायद 1 नहीं आ रहा होगा, तो आपके पास बन गया 3 by 2 plus 1. That means 5 by 2. 5 by 2. के बराबर है. That means आपका sum जो है वो 5 के बराबर आ गया. अब हो गया मैम होमवर्क, है ना. तो मेंस में इतने स्टेप थोड़ी करोगे आप लोग, मेंस में तो आपको स्टेप स्किप करने होंगे ना. यस मैम. चलो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मड इन द फिगर, इनका टोटल एरिया निकालना है, इनफिनिटी. ये हाईलाइट है, देखो दिख रहा है? यस मैम. अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अब खुद से सोचो. एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो कितना बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट. इसका निकालोगे तो हाफ बेस इनटू हाइट एंड द सेम वे सेम चलेगा इनफिनिटी तक. तो ये 1 अपॉन 6 हो गया, 2 से कट गया, 1 अपॉन 9 हो गया. फिर मैम हाफ कॉमन ले लेना उसमें, जैसे मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं है, कट ही रहा है. अभी एक 2 किससे कटा? हम्म, अच्छा 2 से.
अगले वाला आपके पास 1 अपॉन 2 1 अपॉन 27 इनटू 3 बनाना, 3 9 जा तो आपके पास 1 अपॉन 18 दिखा, क्या इसको आप देख पा रहे हो या नहीं? यस मैम। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी दिखा तो कृष्णा की है कि अगर आपको नहीं काटना तो आप कॉमन ले लो, अब 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो तो आपको दिख रहा है 1 अपॉन 3 इनटू 1 1 अपॉन 9 इनटू 2 प्लस 1 अपॉन 27 इनटू 3 ऐसा दिख रहा है सबको? एजीपी आप तो कर लोगे, बन गई ना एजीपी? यस मैम, कॉमन रेशियो 1/3 हो गया। ओके ग्रेट, फिर हो जाएगा। चलिए एजीपी है, फाइनाइट तक है, इनफाइनाइट नहीं है। अब कितनी टर्म्स है सोचो, 1 से लेके 99 तक है, 100 हो गई। यस मैम। तो रेशियो कितनी है? 2। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, माइनस कर दोगे। क्लियर है, बन जाएगा या नहीं? जल्दी जल्दी बोल के बता करो मैम। यस नो हो जाएगा मैम, कल पूछ लेंगे, कल पूछ लेंगे है ना मैम, नहीं होगा तो कल। यस मैम। ये क्वेश्चन भी 2014 में मेंस में आया था, इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क असाइन कर रही हूँ। देखो कल आपकी क्लास नहीं है, थर्सडे को होगी, उस दिन अपन डिस्कस कर सकते हैं, क्या कहते हो? यस मैम। और इस क्वेश्चन को भी कर लोगे आप लोग, मुझे लग रहा है कि पहले आपको सोचना होगा एजीपी बन रही है या नहीं बन रही, वो आपके पास। yes, अभी देखो ये 2 square 3 square एपी में नहीं बन रहा, समझ पा रहे हो? तो आपको सोचना होगा, वही आर से मल्टीप्लाई करके पहले माइनस ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही सेम मेथड लगाओगे, मैंने आपको 2 3 4 से किया था ना, फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 2 square 3 square, बस आप माइनस करोगे और वर्कआउट करोगे। तो माय डियर, आपके पास टोटल आज की क्लास में कितने होमवर्क के क्वेश्चन है? एक ये है और एक ये है, राइट? 2 और एक पीछे भी दिया था कोई, वो तो कर लिया, 2 ही होमवर्क के क्वेश्चन है, राइट? तो सब करके आएंगे, 3 है। yes, ma'am. 3 है। हाँ, yes, ये 3 वही स्टार्टिंग की क्लास में मैं इंक्लूड करके रखूंगी, सो दैट अगर किसी का डाउट होगा था देन वी कैन डिस्कस। क्लियर है? yes, ma'am. Yes, ma'am. और अपना मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, मैंने लिख दिया है कि फ्राइडे का मॉड्यूल डिस्कशन हो जाएगा सीक्वेंट एंड सीरीज का।